हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वाका गाइस, मुझे तुम लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज बंद करो भाई ये बोलना। मेरा नहीं है कटोरा कट, मैं थक चुका हूँ सुन के कि वंशज भाई कटोरा कट क्यों कराते हो। भाई देखो, मैं अगर हेडफोन हटाऊंगा तुम लोग देख सकते हो भाई कितना प्यारा कट है। ये देख रहे हो तुम पीछे से, एकदम ऐसे लंबे एमएस धोनी स्टाइल कटाया मैंने। वो जब मैं हेडफोन पहनता हूँ ना, वो तब लगता है कटोरा कट। इसका मतलब ये नहीं है कि कटोरा रख के उसने साइड से काट दिया है, मेरा एक स्टाइल रहता है। ठीक है, मैं वहां जाता हूँ, सीधा एमएस धोनी की फोटो दिखाता हूँ भैया को। It's been a long day and Big Boss is here. मैं वैसे इसको लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ, usually ये सब चीजें मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन मुझे डर है कि भाई बिग बॉस वाले मेरी वीडियो टेक डाउन कर देंगे। I want to be cautious कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगेगी, I might do one of these, क्योंकि मैंने YouTube शुरू किया था रिकॉर्डेड वीडियो से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, I am a huge Big Boss fan. और मुझे डर लगता है ये बात एक्सेप्ट करने से भी। मैं जब भी किसी को बताता हूँ कि मैं बिग बॉस बहुत टाइम से देख रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं भाई छी बिग बॉस कौन देखता है, एंड वो सब बिग बॉस देख रहे होते हैं। लाइक मैंने सारे सीजन फॉलो किए। मैं पहले अपनी मम्मी के साथ बैठ के ऐसे घर पे बिग बॉस देखता था, फिर मैं बाहर आ गया तो वूट पे देखता था, अब मैं जियो सिनेमा में देख रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा बिग बॉस फॉलो करता हूँ कि मैंने बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 भी देखा है, जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता था। एंड मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम लोगों को लगेगा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं देखता हूँ। मेरे को पसंद है देखना कि भाई एक घर पे लोग रह रहे हैं और वो लोग जबरदस्ती लड़ रहे हैं, एंड लोग कितने चूतिया हो सकते हैं, ये सब तुम्हें बिग बॉस से पता चलता है। इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और इसमें कोई भी शर्म नहीं है। ठीक है, अगर तुम भी बिग बॉस देखते हो तुम एडमिट कर सकते हो कि तुम बिग बॉस देखते हो, कोई बुरी बात नहीं है। बट इस बार बिग बॉस में आए यूट्यूबर्स, एंड दैट इज फुकड़ा इंसान एंड पुनी सुपरस्टार। पुनी सुपरस्टार ऐसे यूट्यूबर तो नहीं है, बट भाई वो था। ठीक है, वो कोई चीज था। फुकड़ा भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, क्योंकि मैं निश्चय भैया के थ्रू उनसे मिला था। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं, वो बंदा जैसा शो में रहा वो बंदा बाहर भी वैसा ही है। ही इज वेरी स्वीट एंड ही इज वेरी नाइस। तो जब मुझे पता चला कि भाई अ यूट्यूबर इज कमिंग टू बिग बॉस, वैसी गांड पड़ जाती है भाई। इमेजिन करो, भले तुम लोग कितने भी होशियारी मारते हुए बोल दो कि भाई मुझे बॉलीवुड बॉलीवुड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम सलमान खान के बाजू में खड़े हो गए तुम्हारे चूतड़ फट जाएंगे भाई। मैं पूरा बिग बॉस ओटीटी भी देख रहा था, लाइक फुकरा की वजह से मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया शो में, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा बायस्ड हूं। मुझे ना एक चीज लगती है कि भाई जैसे ही फुकरा आया था ना शो पे, पूरा एक हफ्ते तो भाई बहुत शांत हो गया, क्योंकि देखो यूट्यूबर नॉर्मल इंसान है, यूट्यूबर सेलिब्रिटीज नहीं है, क्योंकि हमको ऐसे एक्टिंग करनी नहीं आती। पर जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं जो बिग बॉस में आते हैं, ये लोग एक्ट कर सकते हैं ऐसा फोर्स लड़ाई फेक आंसू, क्योंकि इनका वो काम होता है और इनको पता है कि भाई बिग बॉस से इनका करियर बन जाएगा। अगर फुकरा इंसान बिग बॉस हार भी जाता है ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा करियर पे, एंड अगर वो जीत भी जाता है तो वो बस ऐड होगा करियर पे, बट उसका चलेगा यूट्यूब से। भाई मैं तुम लोगों को बताऊं, मुझे ना सबसे ज्यादा चिड़ मचती है बिग बॉस देख के, एक है बेबी का, भाई उसको कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है, और दूसरा है अविनाश। भाई मेरे को इतना फेक आदमी नहीं देखा मैंने कभी। मतलब तुम अगर किसी घर पे हो जो सराउंडेड बाय माइक्स एंड कैमरास है, तुम दो साइड दोगलापंती कैसे कर सकते हो, क्योंकि बाहर तो हमको सब दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि वो सामने जाके फुकरा के बहुत अच्छा रहता है और पीछे जाके गुत्तम बुराई। और जो ये सेलिब्रिटीज वाला एक ग्रुप बन रखा है बिग बॉस में, इनकी मैं तुम्हें ड्यूअलिटी एक्सप्लेन करूं, तो ना भी रिसेंटली बिग बॉस ने इनको पनिश कर दिया, क्योंकि ये लोग नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे एंड उसके बाद इन्होंने बवाल मचा दिया सेलिब्रिटी साइड वालों ने। ये लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग हमारी बुराई कैसे कर सकते हो भाई, जबकि लिटरली ये लोग वही करते हैं भाई। घर के अंदर हर एक बंदा हर एक दूसरे की बुराई करता है, बट ये लोग इन पे क्यों चढ़े, क्योंकि इनकी बात बिग बॉस ने सबको बता दी। तो अब ये सारे गुस्सा हो चुके हैं कि भाई ये लोग हमारे पीठ पीछे कैसे बुराई कर रहे हैं, मुंह पे आके तो अच्छा बनते हैं। भाई तुम सब भी वही कर रहे हो, तुम सब भी मुंह पे अच्छा बन के पीठ पीछे सबकी बुराई कर रहे हो, एंड ये चीज मुझे बहुत फनी लगती है, स्पेशली ये दोगले अविनाश की। भाई मुझे नफरत है इस बंदे से, ये पीठ पीछे जाके बोलता कि भाई अगर ये मेरे को दोबारा ऐसा बोला ना मैं तो फाड़ दूंगा इसको। भाई तू नहीं फाड़ेगा उसको, मैं ना तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं भाई। Doing abs? Yeah. So he came to me and he's like, उसने हिंदी में बोला कि अभी भाई आपकी तो आज वाट लगने वाली है। वाट लगने वाली है? You're gonna have trouble cleaning. Trouble? हमारी वाट नहीं लगती है। I asked him why. अरे यार ये पीछे से जो पूजा पाठ अपनी टिप्पणी देती रहती है ना भाई, क्या नानी हो क्या आप घर की? Dirty today. So I told him I can see that and I've cleaned the garden yesterday. It today the cleaning is for the inside section, living room and the bedroom. You know something? So he said, "Fuck was the kid." Not gonna. भाई ये बंदा ये अंग्रेज किसकी साइड है पहले मुझे ये बता दो, क्लियर कर दो कि ये टीम में किसकी है। It wasn't like this. Everybody was. Listen to me. So he's. भैया को ये तुम ये चेहरा देख रहे हो, तुम्हारी क्लास में पता है एक लड़की ऐसी होती है जो सबकी चुगली करती है, हमेशा टीचर को कंप्लेन करती है, एंड तुम्हें नफरत है उस चेहरे से, तुम वो चेहरा देख नहीं सकते। तुम क्लास में आते हो एंड तुम्हारा मन करता है कि यार ये जो पंखा है ये काश मेरे ऊपर गिर जाए। He's asking me, so you're not gonna clean the garden? No, exactly. Yes, I'm not gonna clean the garden. It's alternate, inside and outside. Inside and outside. So I cleaned garden yesterday, so I'm not gonna clean. अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई यार फुकरा ने ऐसा कैसे बोल दिया इसको, ये ना बिग बॉस के घर की एक औरत है, ये इसको तुम कुछ बात करोगे ये सीधा घर के अंदर आएगा, पहले 10 लोगों को चुगली करेगा एंड बोलेगा कि भाई मैं तो फाड़ दूंगा उसको, फिर बाहर जाके उसको एकदम प्यार से बात करेगा उसको। भाई मुझे ये बंदा बहुत प्यार।
आ रहा है भाई, ये इतना फनी है, he's a comedian and ये बहुत अच्छे भाई, ये गलत शो में आ गए, इनके लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। मैं तारीफ क्यों कर रहा हूँ भाई, आपकी तो गार्डन क्लीन करने में वाट लगने वाली है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा है वो, मुझे भी दिख रहा है। तो उसमें सडिस्टिक प्रेशर लेने का मतलब नहीं है। सडिस्टिक प्रेशर क्या होता है? फुकरा को भी नहीं पता है मतलब। इसमें क्या के सामने वाले की वो ड्यूटी है तो उसको जाके पोक करो और उसके मजे लो। भाई तुम मजाक में बोला है, पता तुम कभी ऐसे अपने दोस्त को बोलते हो कि भाई यार तेरी तो गांड फटने वाली क्योंकि बहुत ज्यादा होमवर्क है। अब सोचो तुम्हारा वो दोस्त कल उठ के बोले मैडम को कि मैडम मेरे को होमवर्क ज्यादा दिया था ना इसलिए मेरे को चिढ़ा रहा था, बोलता है कि तेरी तो वाट लगने वाली है। ये क्या बच्चे, हर बेफिजूल की बातों पे कैसे लड़ सकता है ये आदमी। फुकरा ने सही बात बोली थी, इन लोगों को लगता है कि ये लोग ना सेलिब्रिटीज है, इन लोगों के सामने यूट्यूबर्स कुछ भी नहीं है, इन्होंने बहुत इंडस्ट्री के धक्के मार लिए, ये लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, मैंने ना बचपन में बहुत सारे ऑडिशन दिए थे ऐसे टीवी शोज के, क्योंकि भाई छोटे टाउन से आते तो मैं ऐसा शौक होता है कि तुम लोग शोज पे काम करोगे। भाई उस टाइम जो पता है एक टीवी शो आता था महाभारत, 4+ में आता था शायद, जिसमें शाहिद शेख वगैरह थे, उस टीवी शो के लीड एक्टर्स को भी 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे महीने के। एंड ये काफी ज्यादा सैड चीज है कि इनकी इंडस्ट्री इतनी छोटी है, लेकिन इनका जो गुरूर है भाई, लोग डिजर्व करते हैं ऐसा ट्रीट होना। अगर एक यूट्यूबर है ना जिसके 100K सब्स है और वो अच्छी वीडियोस बनाता है, उसका चैनल अच्छा चलता है, वो भी से ज्यादा कमाता महीने का एक ब्रांड डील से। बट हाँ, पैसा कोई तरीका नहीं है किसी को कंपेयर करने का, लेकिन जब तुम किसी की इज्जत नहीं करते तो तुम डिजर्व नहीं करते किसी की इज्जत। मेरे मुंह से भी कुछ ऐसा निकल सकता है ना। देखो अभी ये कितना अच्छा लग रहा है, अगर ये ऐसे ही बात करता कितना सुंदर होता। पर नहीं भाई, तूने बोल कैसे दिया, मैं तुझे फाड़ दूंगा। हम लोग स्कूल में बोलते थे कि आंड का ना मांड का, ज्ञान चौदे ब्रह्मांड का, ये एग्जैक्टली वही है भाई। लिए सब साइड में मैं बस वेट कर रहा था कि भाई कब फुकरा लड़ेगा। और प्लस भाई कोई भी अगर बेबी का से लड़ रहा है ना, वो जस्टिफाई लड़ो। तेर में सच्चाई आई है। Yes, yes, yes. मैं इतना ज़्यादा enjoy करता हूँ ना बिग बॉस में ऐसी लड़ाइयाँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं खुश हो जाता हूँ, मैं एकदम उठ के बैठ जाता हूँ कि भाई fuck yes, I've been waiting for this. खड़ा हूँ ना, 36 पुश्ते लग जाएगी तेरे को मैं पहुँचने में। Yes, yes. इस वजह से आई है। उसको thank you बोलिए, मुझे नहीं पता कि क्यों आई है यार। क्या बोले फुकरा भाई, let's go. भाई तुम्हें पता है जितने भी ये वोटिंग हो रही है ना भाई, का ना 80% वोट से फुकरा के होते हैं और बाकी सब बचे कुछ इनको मिलते हैं चिंदियों को। बिग बॉस में यूट्यूबर जा रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं भाई, ये देख के कितना अच्छा लगता है भाई। भाई बेबी का खुद ही उंगली करती है, ऐसे ऐसे बैठी रहती है पता है बेबी का घर पे, कि बस भाई किसी की गांड दिख जाए और सर सीधा। माय निपल्स आर हॉट, क्या ट्रेंड है भाई ये टुकरा का। हेलो, ये क्या हो रहा है? What the fuck? ओए राम भाई, मेरे को मनीषा बहुत प्यारी लगती है भाई, मैं चाहता हूँ फुकरा और मनीषा में से ही कोई जीतना चाहिए ये शो। दूसरे वाले का पर्सपेक्टिव मेरे को कहीं ना कहीं लगता है वो आधा अधूरा बीच में ही रह जाता है, और कि भाई ये इंसान अगर गलत कर रहा है तो उसका रपेट मार दो पैर। देखा तुमने कितनी सिंपल सी बात की थी और बहुत ही फेयर है भाई, बाहर भी ऐसे लगता है कि भाई पूजा को लगता है कि सिर्फ वही सच कर रही है। अब तुमने सिंपल सी बात करा, देखना क्या चुत्या सा रिस्पॉन्स आएगा। क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़, क्या बात है, अंदाज के सिवा और है ही हम। क्या बात है, आपकी बहन बहुत सुंदर है मैडम। तुम हो कौन, कौन हो? अरे फुकरा इंसान है मैडम, आंधी हो क्या मैडम? आपके जो अंदाज हमने घर में देखे है उससे ये समझ में आती है कि औरतों से शायद बहुत घिन आती है तुम्हें। सबसे बेस्ट फीमेल कार्ड पुट हो गया है। एक लौंडे को चुप कराने के लिए आप ये बोल सकते हो कि भाई तेरे को तो किसी औरत की इज्जत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फुकरा बेबी का से बदतमीजी करता है, क्योंकि वो सामने से बदतमीजी करती है। लेकिन पूजा मैडम अपने प्यारे दोस्त अविनाश को कभी नहीं देखती, जो किसी भी लड़की से अच्छे से बात नहीं करता। नहीं, लेकिन वो तो अच्छा है क्योंकि वो तो मेरा एक सेलिब्रिटी दोस्त है। हो या बड़े हो, हाँ फीमेल अथॉरिटी आपको शायद थोड़ी इनसिक्योर कर देती है। ये ब्रेक ब्रेक में क्यों बातें कर रही हो आप? दूसरी बात, किसी को हाँ बॉडी शेम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं मेरी दोस्त। मैडम आपका अंदाज तो बड़ा सोड़ा है मैडम। भाई बॉडी शेमिंग की ये था कि फुकरा एक दिन ना आराम से जा रहा था, बेबी का उसको बोलती है अरे काला कौवा गू खाएगा, फुकरा ने बोल दिया ट्रक नहीं बोलना चाहिए बुलडोजर है वो। हर वक्त इंसल्ट का लेवल बढ़ता है आर्ग्यूमेंट पे, तो अगर उसने काला कौवा बोला तो वो ट्रक तो सुनेगी। भाई तू पहले काला कौवा बोलती ही नहीं। भाई मुझे ना एक चीज बुरी लगती है फुकरा के लिए, भाई फुकरा को पता भी नहीं है कि बाहर कितना सपोर्ट है फुकरा के लिए। लाइक पूरी यूट्यूब कम्युनिटी एक साथ आ रही है और अंदर फुकरा को जब भी एकदम वो टास्क होते हैं, वोटिंग वाला एक टास्क हुआ था उसमें भाई साइरस जीत गया, फुकरा नहीं जीता, तुम ये बात मान सकते हो? तो भाई शो पूरा ट्राई कर रहा है कि फुकरा को
अंदर तोड़ दो ताकि फुकरा लड़े, और ये रियलिटी शोज ऐसे ही काम करते हैं। आई विल कंटिन्यू वॉचिंग बिग बॉस बिकॉज आई लव ऑल द फाइट, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई ये आगे कैसे जाएगा। ऑल्सो मुझे बताओ तुमको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगता है ऐसी वीडियोस बैठ के बनाना। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को और पार्ट चाहिए प्लीज डू लेट मी नो, आई लव मेकिंग दिस वीडियोस। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। आग मूंदी सो गया मैं ख्वाब मेरे फिर से, भाई मंजिलों पे पहुंचाना गिरा पर उनकी छत से कई।